हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को फॉर्मूले याद है, ABCD फार्मूले सब कुछ। तो वी हैव टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट टू कॉस pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equal to 0। तो बच्चों, consider left hand side, it is equal to 2 cos, इसका angle pi by 13 है, cos angle is 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 cos 5 pi by 13। तो बच्चों, जैसा ही हमने ABCD फॉर्मूले लर्न किए हैं, हमने बताया था जब भी cos के दो एंगल, sin के दो एंगल्स, जब sin और cos के दो एंगल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इस पे AB फॉर्मूले लगाते हैं। तो यहां पे देखिए 2 cos A cos B का फॉर्मूला बन रहा है। A का काम पाई बाय 13 कर रहा है, B का काम बच्चों 9 पाई बाय 13 कर रहा है। तो जैसा कि हमने लर्न किया है, 2 cos A cos B इट इज इक्वल टू cos A plus B plus cos A minus B। तो बच्चों, यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, cos A plus B, A कितना है पाई बाय 13, B कितना है 9 पाई बाय 13 प्लस, देखिए cos A plus B, A कौन है पाई बाय 13, B कौन है 9 pi by 13 प्लस cos A minus B, A minus B। तो बच्चों, ये दो टर्म्स as it is रहने दीजिए, 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13, it comes to be, जैसे आपने LCM लिया 13 pi plus 9 10 pi। तो बच्चों, ये 10 pi by 13 बन गया। यहां पे जब आपने एलसीएम लिया 13 तो पाई माइनस 9 पाई माइनस 8, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कोस में माइनस एंगल एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इस कारण हमने माइनस को नहीं लिखा। रीजन आप सबको पता है, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है। माइनस 8 पाई बाय 13 आ रहा है तो माइनस एब्जॉर्ब हो गया। तो लुक हियर, समझ आ गई सबको? तो देखिए बच्चों, यहां पे 10 पाई बाय 13 है, हमने प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आंसर आ रहा है। तो यहां पे 10 पाई को मैं ब्रेक कर रहा हूं, देखिए 10 पाई को मैं लिख सकता हूं 13 पाई माइनस 3 पाई। तो मैंने 10 को ब्रेक कर दिया, 13 नीचे देखा तो 10 को ब्रेक कर दिया, 13 माइनस 3 लिख सकता हूं बच्चों। इन द सेम वे यहां पे cos 8 है, तो 8 को 13 की हेल्प से कैसे लिख सकता हूं, 13 minus 5, तो 13 minus 5 कितना होता है 8, तो मैं 8 पाई को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। तो बाकी की दो टर्म्स सेम रखेंगे, 3 पाई बाय 13 plus cos 5 पाई बाय 13। तो नाउ वी हैव, तो बच्चों देखो यहां पे व्हाट आई डिड, cos LCM को ब्रेक किया, 13 को दोनों के नीचे ले गया, minus 3 pi by 13। In the same way यहां भी बच्चों 13 को LCM को ब्रेक किया, 13 को दोनों के नीचे ले जा सकते हैं, इसे बोलते हैं splitting। क्या बोलते हैं? splitting। ये दो हो गया plus, बच्चों plus cos, ये सेम रखा 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। इसका फायदा क्या हुआ, देखो बच्चों, ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो वी हैव लेफ्ट विद cos pi minus 3 pi by 13 plus cos pi minus 5 pi by 13 plus, ये दो टर्म्स, cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। तो ये बन जाएगा बच्चों, तो
बच्चों हम जानते हैं पाई रेडियंस को 180 डिग्री बोलते हैं। अगर मैं बात करूं cos 180 माइनस थीटा की, तो 180 कितना होता है? 90 इनटू 2, तो 90 इनटू इवन, याद करिए इवन में नो चेंज, इवन में नो चेंज, तो क्वाड्रेंट कौन सा है? 92 टाइम्स, 19 टू 1, 19 टू 2, प्लस हो तो आगे जाइए, माइनस हो तो वहीं पे रुक जाते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा कि जानते हैं साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं बच्चों, हमारा कोज है तो इसका मतलब यहां पे माइनस कोज आएगा, तो कोज 180 माइनस थीटा, रिजल्ट याद हो गया, हम आगे भी करके आए हैं, माइनस कोज थीटा कैसे बना? 19 टू 2 इवन नो चेंज क्वाड्रेंट 19 टू 2, तो जैसा कि हमने बताया था प्लस हो तो आगे चल जाइए, माइनस हो तो वही रुक जाइए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो कोस बच्चों माइनस का आएगा, तो कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये 180 रेड पाई रेडियंस 180 डिग्री, तो कोस 180 माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, तो इसका आंसर कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है? 3 पाई बाय 13। इन द सेम वे कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस 5 पाई बाय 13, ये दो टर्म सेम एज इट इज रखिए, आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो गई, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, ये दोनों कैंसिल हो गई, आंसर इज 0 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार फिर से समझाएंगे बच्चों, तो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज फार्मूला फॉर 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos a minus b, इन दोनों टर्म्स को सेम एज इट इज रखा, यहां पे एलसीएम लिया पाई प्लस 9 पाई, 1 पाई प्लस 9 पाई 10 पाई ओवर 13, यहां पे बच्चों माइनस 8 पाई बाय 13, तो कोस में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए माइनस मैंने नहीं रखा, आप रीजन यहां पे मेंशन कर सकते हैं, ये दोनों टर्म्स एज इट इज। फिर देखो बच्चों ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं हो रही, मेरे को दिखा ये 10 और ये 3 13, तो ये मेरे को हिंट मिल गया, तो मैंने 10 को 13 की हेल्प से ब्रेक किया, 10 को 13 की हेल्प से ब्रेक किया, 10 को लिख सकते हैं 13 माइनस 3, तो 10 पाई इज 13 पाई माइनस 3 पाई। इन द सेम पे 8 और 5 13 होते हैं, तो 8 को ब्रेक किया विद द हेल्प ऑफ 13, 8 को लिख सकते हैं 13 माइनस 5, तो इट इज 8 पाई 13 पाई माइनस 5 पाई, ये दोनों को सेम एज इट इज रखा। फिर बच्चों मैंने एलसीएम को ब्रेक किया, स्प्लिटिंग कर दी, 13 पाई ओवर 13 माइनस 3 पाई ओवर 13, इन द सेम वे हियर 13 पाई ओवर 13 माइनस 5 पाई बाय 13, ये दोनों टर्म्स एज इट इज रखी। देखिए यहां तक समझ आ गई, 13 से 13 कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये चार टर्म्स बची 1 2 3 एंड 4। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में ये बता चुके हैं स्टार्टिंग में, cos 180 माइनस थीटा, 180 को 19 टू 2 लिखते हैं, 2 means even, even में changes नहीं होती, cos of theta, तो second quadrant में cos negative होता है, तो that's why I put minus sign here, तो ये बच्चों 180 minus theta act कर रहा है, 180 minus theta, this is minus cos theta, theta कौन है? 3 pi by 13, same minus cos 5 pi by 13, ये बच्चों term इसके साथ cancel होगी, ये term इसके साथ cancel होगी, we have left with our answer, I hope clear है सबको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट साइन, काफी आसान क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन x, बच्चों उधर है साइन x प्लस कोस 3x माइनस cos x, बाहर है cos x, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव sin 3x प्लस sin x, बाहर है sin x, प्लस cos 3x माइनस cos x, बाहर है cos x, तो बच्चों दिस इज क्लियरली s प्लस s, sin c प्लस sin d, हम आपको बता चुके हैं ये फॉर्मूले, s माइनस s याद है सभी को, 2cc, ये बच्चों मेथड है,
याद कर देगा सीधी फॉर्मूले हम ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं इन सबको तो दिस इज साइन सी प्लस साइन डी एस प्लस एस 2sc 2 s मीन साइन किसका साइन सी प्लस डी बाय 2 सी कौन है 3x डी कौन है इसका एंगल ओवर 2 फिर बच्चों सी सी स्टैंड्स फॉर कोस किसका सी माइनस डी बाय 2 दिस इज सीडी फार्मूला बच्चों बाहर क्या है साइन एक्स प्लस यहां पे सी माइनस सी कोस सी माइनस कोस डी माइनस 2ss तो बच्चों ये माइनस चलो ऐसे लिख लो माइनस 2s s मीन साइन किसका सी प्लस डी बाय 2 ये सी है 3x और डी कौन है एक्स साइन c माइनस डी बाय 2 तो बाहर क्यों है cos x तो ये बन जाएगा 2 sin 3 plus 1 4 4x by 2 2x cos 3 minus 1 2 2 by 2 1x तो बच्चों ये बन गया साथ में sin x भी मल्टीप्लाई हो रहा है ये प्लस माइनस माइनस 2 sin 3 plus 1 4 4 by 2 2x ठीक है बच्चों sin 3 minus 1 2 2 by 2 1x साथ में बाहर cos x भी मल्टीप्लाई हो रहा है देखिए ये sin 2x ये cos 1x sin x ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है 2 sin 2x 2 sin 2x cos x sin x ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है तो बच्चों ये कैंसिल होगी माइनस की तो जीरो होगी हेंस प्रूव्ड आई होप क्लियर है सबको कम टू क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 3 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इजी सम Prove that cos x plus cos y its whole square plus sin x minus sin y its whole square equal to 4 cos square x plus y by 2. We have left hand side equal to cos of x plus cos of y whole square plus sin of x minus sin of y its whole square. So this is formula 4. Cos c plus cos d. Look here. Dekhiye. This formula c plus c 2cc 2cc 2 c stands for cos. Kiska? C plus d by 2. C kone? Iska angle. D kone? Ye y. ये एंगल फिर क्या है बच्चों cos c minus d by 2 ये आ गया बच्चों ये cos c plus cos d फिर इसका स्क्वायर भी है s minus s 2cs 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 होल स्क्वायर समझ लगी सबको बच्चों 2 का स्क्वायर होता है 4 ये cos थीटा का जो होल स्क्वायर होता है उसे हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं तो इसके लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा मतलब एंगल एज इट इज ये रहेगा एंगल को स्क्वायर नहीं करना होता बच्चों पूरी टर्म का स्क्वायर है तो यहां पे cos स्क्वायर समझ लगी सभी को 2 स्क्वायर इज 4 cos स्क्वायर यहां पे बच्चों sin स्क्वायर We can take 4 common from both the terms. 4 common. Cos square. ये angle, ये term और ये term बिल्कुल same है बच्चों. Common ले ली. ये भी बाहर है, ये भी बाहर है. इसके पास अंदर क्या बचा? Cos square x minus y by 2 plus. ये दोनों बाहर है. क्या बचा? Sin square x minus y by 2. We know that. sin square theta plus cos square theta equal to 1 तो बच्चों theta कुछ भी हो सकता है look here cos square theta plus sin square theta ये 1 बन गया क्योंकि angle same है cos square x minus y by 2 plus sin square x minus y by 2 ये identity बन गई इसको 1 लिख देंगे तो बच्चों जैसे ही इसको 1 लिखेंगे तो we have 4 cos square x plus y by 2 इसको 1 लिखा this into 1 यही रहेगा it is equal to right to x काफी आसान समझे
सिंपली आप सी डी फॉर्मूले लगाई जो बच्चों आपका आंसर आता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट, ये भी बच्चों सेम क्वेश्चन है, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 4 में स्टेटमेंट लिख देता हूं, अभी क्वेश्चन 3rd किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन 3rd, क्वेश्चन 4 एग्जैक्टली सेम। बच्चों हमने ये प्रूव करना है, देखिए यू कैन ट्राई योरसेल्फ, क्वेश्चन 4 ट्राई योरसेल्फ, बिल्कुल सेम, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 कोस एक्स कोस 2x साइन 4x। बच्चों देखो प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो बच्चों यहां पे चार टर्म्स नजर आ रही है सबको लेफ्ट हैंड साइड में, देखो बच्चों पेयरिंग करनी है, मैंने देखा ये 1x और 7x मिलके 8x बना रहे हैं और ये 3x और 5x मिलके 8x बना रहे हैं, सो मैंने पेयरिंग ऐसे की कि एंगल्स का सम सेम बन जाए, 1x और 7x 8x, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया बच्चों sin 3x plus sin 5x, देखो जो s plus s लग रहा है 2sc, 2 sin c कौन है बच्चों इसका एंगल, d कौन है 7x, आगे cos c minus d by 2, यहां पे फिर से बच्चों sin c plus sin d, 2 sin c plus d by 2 कोस, काफी आसान क्वेश्चंस हैं बच्चों, सिंपली एक बार प्रैक्टिस करेंगे सारे सम आपको समझ आ जाएंगे, इट इक्वल्स टू 2 sin 1x plus 7x 8, 8 by 2 4, बच्चों कोस minus 6 by 2 minus 3, तो जैसा कि जानते हैं कोस में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, माइनस नहीं लिखा, 2 sin 8 by 2 4, देखो बच्चों cos minus 2 over 2, 2 से 2 cancel, minus absorb हो गया, समझ लगी सबको, तो बच्चों इसको reason लिख सकते हैं cos of minus theta equals to cos of theta, तो दोनों में 2 common sin 4x common, तो बच्चों ये बाहर है तो अंदर क्या बचा cos 3x, ये बाहर है अंदर क्या बचा cos x, समझ लगी सबको, this is 2 sin 4x cos c plus cos d 2cc, लगाइए बच्चों 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, तो बच्चों क्या बन जाएगा समझ लगी सबको, तो this is 2 sin 4x into 2 cos, बच्चों 3 plus 1 4 by 2 2x cos 2 by 2 1x 2 into 2 4, बच्चों देखिए sin 4x cos 2x cos x it equals to right hand side, देखिए 4 cos को आगे लिख लीजिए cos x cos 2x sin 4x, hence proved। तो बच्चों आज हमने आपको NCERT के 5 questions प्रूव करवा दिए हैं, बाकी के सब नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, ठीक है बच्चों, आज इन सम्स की प्रैक्टिस करिए, ठीक है बच्चों, तो टेक केयर।